हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लिखेंगे मज़मून मेरी पसंदीदा किताब। तो चलिए शुरू करते हैं। किताबें पसंद हैं, लेकिन कुरान मजीद मेरी पसंदीदा किताब है। ये किताब अरबी जबान में है। मैं बाकायदगी से इसकी तलावत करता हूँ। अपनी मखलूक की रहनुमाई और हदायत के लिए हर जमाने में नबी और पैगंबर भेजे। अल्लाह ताला ने इन पर सहीफे और किताबें नाजिल फरमाई। कुरान मजीद इन आसमानी किताबों में आखिरी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल होना शुरू हुआ जब आपकी उम्र 40 साल थी और कुरान का नजूल 23 साल में मुकम्मल हुआ। कुरान मजीद एक मुकम्मल और जामे किताब है। इसमें जिंदगी के हर मसले का हल मौजूद है। ये वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। इस किताब को नाजिल हुए सैकड़ों साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसकी आयात में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया और ना कभी इसमें कोई तब्दीली आएगी।
قرآن مجید دوسری آسمانی کتابوں سے افضل ہے، اسے جس نے سچے دل سے پڑھا اور اس پر عمل کیا جنت کا مستحق ٹھہرا۔ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں بیماروں کے لیے شفا اور دکھی لوگوں کے درد کا علاج موجود ہے۔ غرض کے قرآن پاک کی جتنی خوبیاں بیان کی جائیں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔